मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी मॉर्निंग सो दिस वॉज द टेस्ट पेपर दफ वी स्टार्टेडरडे एंड कवर दाइव क्वेश्चनिंग शेड्यूल टू बी कवर टूडे ओके फ्राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स तो पांच तक किसी की किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हो फिर आगे बढ़ें ठीक है अब जो रिमेनिंग फाइव क्वेश्चन है ना बेटा इसमें इनोवेटिव क्वेश्चन ज्यादा है बुक रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है जैसे कि क्वेश्चन का पहला दूसरा पार्टी ले लो मतलब क्वेश्चन एज ओवरऑल ले लो तो यू कैन सी दोनों में रेशियो पूछा है क्या पूछा है रेशियो। अब रेशियो पूछना सर ट्वेल्थ वाले को शोभा देता है क्या टेंथ में पूछते थे रेशियो ऑफ डिविजन और इलेवेंथ में भी था रेशियो ऑफ डिविजन ट्वेल्थ में था लेकिन ट्वेल्थ में तो केवल एक रिविजन था लेकिन क्वेश्चन तो तो कैसे पूछा तो देखो रेशियो के साथ साथ प्लेन का पॉइंट्स का इन सब का कनेक्शन है ठीक है तो वैसे तो हम रेशियो कैसे निकालते थे एक लाइन एक फटाफट से रिपीट करते हैं एक लाइन को एक लाइन को जिसके एंड पॉइंट कोई पॉइंट डिवाइड करता है पॉइंट डिवाइड करता है जैसे पी है या ए है या बी है एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता, करता है तो हम क्या कर सकते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और अगर के के हो, तो निकाल सकते हैं। सारा काम सेक्शन फार्मूला से करते हैं तो वही सेक्शन फार्मूला ही लगाना है अब सेक्शन फार्मूला ही लगाना है।, लगाना है तो चार चीजें चाहिए आपको कौन कौन सी चार चीजें ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स रेशियो पॉइंट इन चार में से कोई भी तीन चीजें चाहिए मतलब रेशियो निकालना है तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन भी चाहिए यानी तीन, तीनों ही चीजें चाहिए होंगी तब जाके चौथी चीज रेशियो ऑफ डिवीजन निकलेगा अब ए और बी तो गीवन है देखो ए ये रहा बी ये रहा पर सर पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकाले तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है कहा है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन वो क्या कह रहा है कि वाई जेड प्लेन से लाइन टकरा रही है फाइंड द रेशियो ऐसा रेशियो बताओ जिसमें वाई जेड प्लेन एक इस लाइन को काटता है वाई जेट प्लेन उस लाइन को किस रेशियो में काटता है वो रेशियो बताइए तो जिस भी रेशियो में वो उसको काटता होगा जिस पॉइंट पे वो उसको काटता होगा वो पॉइंट ही पॉइंट ऑफ डिविजन होगा दैट हमने कल क्वेश्चन किए थे कि प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना यह क्वेश्चन किए थे प्लेन और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने क्वेश्चन किए थे वो लैमडा मान के वो का वही सेम काम करना एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो फिर हम रेशियो प्रिविजन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे ओके okay, डन और यहां पे प्लेन भी कैसा है वाई जेड यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन है यानी कि क्या है कोऑर्डिनेट प्लेन है तो वाई जेड प्लेन गिवन है तो फिर हमको एक्स वाई जेड कोट बनाने पड़ेंगे और मान लो और कोई प्लेन होता साधारण जैसे अगले क्वेश्चन में कोई भी साधारण प्लेन है तो इसमें हम क्या करेंगे फिर कोऑर्डिनेट्स नहीं मतलब वो वाई एक्स एक्सएक्स एक्सिस नहीं बनाई ओके okay? आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हो रही है अनुष्का ऐसा क्यों हो रहा है तो आप मेडिसिन नहीं ले रहे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे करा था नहीं डेली करो अगर क्योंकि डेली का मतलब है कि आ, जैसे कल तो ठीक थोड़ी सी ठीक थी, आज ज्यादा लग रही है तो दैट मीन्स वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा और ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना वो चीज़ है तो उसे नहीं हो रहा ना फर्क बेटा ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि दो तीन दिन की दवाई दिए तो हम दो तीन दिन बाद ही मिलेंगे अगर हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा पहले दिन के बाद उल्टा ज्यादा तबियत खराब हो रही है तो वी कैन रश अगेन टू द डॉक्टर कि भाई डॉक्टर साहब क्या दवाई दी है ये ठीक है ना जागो ग्राहक जागो सुना होगा ना सर डॉक्टर के लिए आप एक ग्राहक हो तो आप जैसे कोई सामान खराब होता है तो दुकान पे भी तो भागते हो ये क्या कुछ सामान दिया है आपने तो वैसे डॉक्टर के पास भी भागो क्योंकि आ आ रही है है कि? अब इस plane थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं जानकर के क्योंकि वो लाइन क्रॉस करवाएंगे ना वैसे तो पूरा वाई तक बनाना चाहिए मुझे पर ठीक है मैं यहाँ तक बना देता हूँ लेट से ये हमारा वाई जेड प्लेन जगह नहीं है ना और इस वाइजेड प्लेन से एक लाइन पास थ्रू हो रही है एक लाइन है जो पास थ्रू हो रही है तो इस तरीके से पास थ्रू करवा दो यहां से जाएगी और पीछे से निकलेगी समझ गए यहां से जाएगी पीछे से निकलेगी ठीक है समझ गए एक कागज लो और कागज के अंदर मान लो एक स्टिक घुसा दो हाँ पॉइंट्स भी मार्क करेंगे अभी करेंगे ये एक पहले लाइन की बात करते हैं ना फिर ये लाइन जो है इन दो पॉइंट से पास थ्रू हो रही है एक तरीके से अच्छा लाइन सेगमेंट कह रखा है उसने आप ऐसे कह रहे हो तो कोई बात नहीं इस लाइन का एक सेगमेंट काट देंगे लाइन सेगमेंट हो जाएगा उतना पार्ट को कंसिडर कर देंगे ठीक है है ना ऐसे मानो एक 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 पेपर है, एक पेपर के अंदर से एक स्टिक घुसा दी उसके अंदर तो वो जिस पॉइंट पे टकरा रहे हैं दोनों वो पिंचिंग पॉइंट है उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है तो अब देखो वैसे तो एक बात बात बोलू ये ये प्लेन लाइन को नहीं काट रहा है लाइन प्लेन को काट रहा है

तो एक यहाँ ले लो एक इसके पीछे ले लो अब समझ रहे हो ना देखो ये तो है इस कागज के आगे का हिस्सा और ये है इस कागज के पीछे का हिस्सा ये वाला पार्ट इसके पीछे का हिस्सा है तो कहीं पर भी ले सकते हो आप ऐसे भी ले सकते हो दोनों पॉइंट्स आगे ले लो ऐसे भी ले सकते हो दोनों पॉइंट्स पीछे ले लो और ऐसे भी ले सकते हो एक आगे और एक पीछे ले लो तो एक आगे एक पीछे ले ले चलेगा ठीक है तो एक आगे ले लिया हमने लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है तो फिर पीछे लेना ज्यादा जरूरी होगा ठीक है ना पर कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल डिविजन भी तो होता है जरूर थोड़ा ना इंटरनल डिवीजन हो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि वो दोनों पॉइंट्स के अंदर नहीं होता है पॉइंट डिवीजन उसके एक्सटेंशन पे होता है समझ गए मान लो ये लाइन सेगमेंट है अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर कहीं है तब तो उसको कहते हैं इंटरनल रेशियो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और मान लो उसको एक्सटेंड करके आगे हो कहीं पॉइंट ऑफ डिवीजन तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं इंटरनल इसको कहते हैं एक्सटर्नल तो अगर मैंने दोनों पॉइंट्स इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में या दोनों पॉइंट इस पॉइंट के राइट right साइड में मार्क कर दिए तो गलत तो वो भी नहीं होगा हम एक्सटर्नल मान रहे हमारी मर्जी और वो पता कैसे चलता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल अगर रेशियो ऑफ डिवीजन पॉजिटिव हो तब तो इंटरनल होता है रेशियो ऑफ डिविजन नेगेटिव हो तो एक्सटर्नल होता है तो अभी के लिए तो मैं इंटरनली मान के चलता हूं तो एक इधर और एक इस पॉइंट ऑफ डिवीजन के उस पार एक पॉइंट ऑफ डिवीजन के लेफ्ट साइड एक पॉइंट ऑफ डिवीजन के राइट right साइड तो एक क्या मार्क कर दिया एक क्या मार्क कर दूं चलेगा सो so, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ हो लेट्स से ये ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 4 7 एंड दिस इज बी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -5 एंड 8 फाइन एंड लाइन को चाहो तो लाइन एल मार्क लाइन एल है ठीक है और प्लेन तो वैसे वाई जेड प्लेन है वाई जेड प्लेन है प्लेन पाया भी लिख सकते हैं लेकिन प्लेन जब आ, हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन ही दे रखा है तो उसको वाई जेड प्लेन ही लिख देते हैं डन इसको हम ले, ले लेते हैं पॉइंट ऑफ डिविजन पी ओके पॉइंट ऑफ डिविजन पी के कोर्डिनेट्स जब अपन निकालते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं उसको लेना एक्स वन वाई वन से क्योंकि ये वाई जेड प्लेन पे लाया कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा तो एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई तो लेंगे, जीरो लेंगे। है? तो कोई नहीं है? बाकी सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन हो गई अब अपने को रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है जब रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना होता है तो जनरली अपन उसको लैम्डा इज टू वन मान लेते हैं लेते हैं सीखा है ना हमने तो लैम्डा तो यहां होगा पॉइंट पी से इधर और एस टू वन इसके पीछे की साइड होगा ना

तो दो पॉइंट्स की वन होते हैं तो लाइन की इक्वेशन बनानी आती है ना दो पॉइंट्स की वन है कल ही बताई थी बताओ दे। गे। दे। गे। 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 x माइनस डिवल टू सेमडा रखते हैं लेकिन लेमडा उधर चलो उसको के कर देता हूँ फिर मैं

Uh, या फिर ऐसे लिख देंगे हम नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पी दैट इज पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जीरो वाई वन सेड वन लाइज ऑन लाइन एल लाइज ऑन लाइन एल सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एल सो पुटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एल वी गेट हाँ बताओ हम्म ये x ये तो बेटा जनरल पॉइंट होता है ना एक्स वाई जेड इक्वेशन में एक्स वाई जेड वो वाला x है ये तो एक्स वाई जेड ठीक है लेकिन अब ये इक्वेशन के अंदर में एक्स वाई जेड की जगह कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाइक करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपन एक्स वाई जेड की जगह लेंगे तो एक्स वाई जेड की जगह लेंगे तो जीरो ई वन जेड वन लेंगे तो इधर एक्स की जगह जीरो लेंगे वाई की जगह वाई वन लेंगे और जेड की जगह लेंगे तो इसको जीरो लेमडा जाएगा आ जाएगा तो वाई वन और जेड वन आ जाएगा तो पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर हो जाएगा ठीक so है सो वी गेट फॉट चेक करें तो एक्स की जगह तो जीरो प्लस टू बाई फाइव वाई की जगह वाई वन माइनस फोर बाय माइनस नाइन जीवन माइनस सेवन बाई वन एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा तो इट्स लाइक जीरो प्लस टू टू बाई फाइव तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई हमारी

बट मतलब ठंडा नहीं थोड़ा सा वार्म है आराम से पीना है ना मुंह जल नहीं हाँ देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो तक क्लियर है चलो अब ना अब चलते हैं अपन अपना बाकी का काम निकालने ये एक्स एक्सिस को था कोई काम नहीं है समझ जाने के लिए था इसको हटा दू मैं थोड़ा सा ठीक है ज्यादा गर्म है क्या ठीक है तो सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन है अभी यहां पे तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना होता है सेक्शन तो फार्मूला तो सबको पता है कोऑर्डिनेट के लिए बताओ कोऑर्डिनेट के लिए होता है वो एक्स इक्वल टू बोलो एम एक्स एम और एन में डिवाइड होता है में हम मान लेते हैं जब तो एम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन ये होता है तो अब इसकी जगह पुटअप करो तो एम की एक्स की जगह तो ठीक तो है एम तो और एन तो निकालना है और एम और एन क्या माना है और वन तो यहाँ पे के और वन यहाँ पे भी के और वन फाइन के और वन इन टू दिस और यहाँ पे भी के प्लस वन अच्छा एक्स टू और एक्स वन भी तो है आपके पास तो एक्स टू और एक्स वन क्या है बोलो एक्स टू और एक्स वन क्या होगा एक्स टू तो होगा इसका कॉर्डिनेट के इन टू दिस होगा और वन इंटू दिस होगा समझ गए so, तो हो इंटू माइनस टू ओके तो यहां से के वैल्यू हो जाएगी ना सॉल्व करो तो के इन के प्लस वन सॉरी के प्लस वन होगा तो के प्लस वन इंटू जीरो जीरो प्लस वन मल्टीप्लाईड बाई जीरो जीरो माइनस टू तो के वैल्यू हो जाती है टू इधर आ जाता है ना तो टू लेकिन ये तो एक्स कोऑर्डिनेट की मदद से निकला हमको तीनों कोऑर्डिनेट देखो जब रेशियो ऑफ डिविजन निकालना है तो एक्स वाई जेड जितने भी कोर्डिनेट से निकल सकता है सबसे निकालना है और सबसे वो के की वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी सही है नहीं तो फिर या तो क्वेश्चन गलत है

इट इज लाइक माइनस ट्वेंटी सेवन यहाँ से भी सेम मिला और एक कोऑर्डिनेट से भी चेक करो तो z कोऑर्डिनेट क्या निकला हमारा थर्टी सेवन बाई फाइव अब क्या करूंगा k इन टू जेड टू यानी एट के प्लस वन इंटू सेवन सेवन डिवाइडी थर्टी सेवन के को तो इधर ले आए फोर्टी के पास थ्री के बचता है इसके पास और थर्टी फाइव को ले जाए तो टू बचता है उसके पास के so, की वैल्यू यहाँ से भी टू बाई थ्री सो यू कैन सी के की वैल्यू तीनों ही जगह से सेम आई है

थ्री से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करें तो टू इज टू थ्री ठीक है किया था आप दोनों लेमडा तक सही निकाला मतलब अच्छा ये वाला लेमडा सॉरी लेमडा क्या निकाला हमने टू बाई फाइव उसके बाद फिर वाई वन और जेड वन नहीं निकाला इसकी मदद से तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा नहीं निकला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकला तो फिर रेशियो ऑफ डिवीजन में नहीं निकला और आपने नहीं किया आपने सेकंड वाला किया किया ही नहीं क्वेश्चन ही ठीक है चलो अब सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या-क्या चेंजेस -क्या है इसी में फेर बदल करके कर सकते हैं फाइंड द रेशियो वही पूछ रहा है लेकिन अब की बार yz प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन है वो ना देखकर एक नंबर ही देना इसमें तो डेट नहीं देना ना ठीक है हाँ वाई प्लेन जो पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है उसकी जगह क्या है एक स्पेसिफाइड प्लेन है स्पेसिफाइड प्लेन मतलब ये अब एक्सजेट प्लेन वाई जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन स्पेस में कोई भी एक्स्ट्रा में कोई प्लेन है ना और वही है दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है और वही सारा सब कुछ बाकी तो वही है तो इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूँ सबसे पहले तो मैं प्लेन में चेंजेस कर रहा हूँ ये प्लेन वाई जेड प्लेन प्लेन नहीं है तो जब ये वाई जेड प्लेन नहीं है तो उसको हमेशा पैरालोग्राम फॉर्म में बनाएंगे किस फॉर्म में बनाएंगे पैरालोग्राम फॉर्म में लाइक दिस कोऑर्डिनेट्स भी नहीं होंगे अभी और ये भी चेंज करने पड़ेंगे ए भी, भी चेंज करने पड़ेंगे ना सेम थोड़ी ना हम्म तो मैं प्लेन कुछ ऐसा बना देता हूँ ठीक है एक आईने की तरह ना आईने के आर पार हो गया ठीक है वही केस टू वन मानेंगे रेशियो लेकिन अब ये वाई जेड प्लेन थोड़ी ना है कि आपने की गारंटी है और ए और B के भी चेंज करो क्या है माइनस सिक्स टू बोलना माइनस सिक्स सेवन टू और बी के जीरो माइनस फोर फोर ओके और लाइन वही मान लिया हमने एल और इस बार प्लेन को पाए मानना पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट ए कोऑर्डिनेट प्लेन क्या था जीरो ठीक है और इस प्लेन को क्या मान लिया हमने पाए द प्लेन इज पाए और पाई की इक्वेशन क्या गिवन है इक्वेशन गिवन होगी पाई की क्योंकि अगर कोई और प्लेन है तो उसकी इक्वेशन चाहिए और या तो फिर बताओ भाई एक्स वाई प्लेन है वाई प्लेन है एक्सटेट प्लेन है क्योंकि वो तो कोऑर्डिनेट प्लेन उस कोऑर्डिनेट प्लेन की तो मैं इक्वेशन बना भी सकता हूँ लेकिन वाई और कोई प्लेन है तो फिर इक्वेशन बताओ तो क्योंकि स्पेस के अंदर पॉइंट ले लो लाइन ले लो प्लेन ले लो अपनी इक्वेशन से जाने जाते हैं तो आप कह रहे हो प्लेन से वो डिवाइड होता है तो प्लेन की इक्वेशन बताओ कौन सा प्लेन है बोलो टू एक्स माइनस इलेवन को उधर ले जाके इलेवन कर देते हैं ठीक है कोई डाउट नहीं है तो ये है प्लेन की इक्वेशन ये हो गया लाइन बाकी डायग्राम बन गया चलो अब वही लाइन की इक्वेशन बनाएंगे पिछली बार की तरह तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स जेड माइनस टू जेड माइनस टू पहले तो ऊपर वाले चेंज कर देते हैं अपन X जेड माइनस टू और नीचे के चेंज करो अब डिफरेंस करके जीरो माइनस माइनस सिक्स प्लस सिक्स देन माइनस फोर माइनस सेवन माइनस इलेवन एंड फोर माइनस टू इज टू इक्वल टू वही ठीक है अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पी वो एक्स वन वाई वन जेड वन है जीरो है

एंड टू बाई टू ओके अब पिछली बार तो मजा आ गया था एक्स वन जीरो था इस बार कुछ मजा नहीं आएगा आया इस बार एक्स वन वाई वन जेड वन तीनों लेमडा की फॉर्म में निकालो इसका तरीका भी आता है हमको और फिर वो वाला जो पॉइंट है उसको प्लेन की इक्वेशन में रख दो पिछली बार तो कोई प्लेन की इक्वेशन था तो वहां से लेमडा सोल्व हो जाएगा हमारा काम तो कैसे भी करके लेमडा सोल्व करना है ओके okay. चलो तो डू इट क्या करूंगा मैं अब यहाँ पे एक्स वन वाई वन वन की वैल्यू निकालूंगे ठीक है तो ये पार्ट यहाँ पे नहीं होगा पिछली बार तो क्या लेमडा देखते ही सॉल्व हो गया था, एक था। इस बारा होगा बार हो तो का काम, exactly exactly तो काम किया है कई बार किया है ना एक्स वन इक्वल टू सिक्सा माइनस सिक्स वाई वन इक्वल टू बोलो माइनस इलेवन ले प्लस सेवन जी वन बोलो टू लैमडा प्लस टू ओके सो ये आ गया ठीक है अब मैं क्या लिखूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन है ना नाउ पॉइंट पी आल्सो लाइज ऑन द प्लेन एज वेल पॉइंट पी आल्सो लाइज ऑन द प्लेन पाय सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाए ऑल्सो उसमें रख देते हैं वी गेट लेट्स तो वहां पर क्या है मेरे पास इक्वेशन टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस टू एक्स एक्स की जगह टू तो, पहले तो आप देखो इक्वेशन में रखना इक्वेशन में रखोगे

अब अब इसको लेमडा को इसमें डालो और वहां से निकाल लो को में डालो और X1, Y1, Z1 X1, Y1, Z1 में डालो और वहां से आ जाएगा और एक बार आ जाएगा जाएगा ये एक बार तो वही इधर रेशियो बोलो क्या आएगा सिक्स इंटू टेन बाय थर्टीन माइनस सिक्स लाइक सिक्स सिक्स जा है तो so, कितना होता है? Minus 18 by 13. Minus 18 by लिख देता चलो वाई वन देखते माइनस इलेवन इन प्लस का सेवन सो इट इज लाइक माइनस वन वन जीरो ठीक है तो माइनस वन वन टेन में नाइनटी वन जोड़ेंगे तो माइनस का नाइनटीन माइनस का नाइनटीन बाय थर्टीन हो जाएगा माइनस का बाय थर्टीन एंड लास्ट जेड वन देखो जेड वन में हम क्या करेंगे टू इन टू लेमटा बोलो फिर से हाँ टेन बाय थर्टीन प्लस का सेवन सो इट्स लाइक ट्वेंटी बाय थर्टीन ट्वेंटी बाय थर्टीन प्लस का टू क्यों सेवन है ना अच्छा टू था क्या टू लेमडा प्लस टू हाँ टू थर्टीन टू जो ट्वेंटी फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स बाय थर्टीन फोर्टी सिक्स बाय थर्टीन बाय वापस चेक करें लेमडा हो जाएगा माइनस वन टेन बाय थर्टीन माइनस वन टेन बाय थर्टीन प्लस का सेवन तो थर्टीन सेवन नाइनटी वन होता है नाइनटी वन सो में का डिफरेंस नो ये बचा दस इधर बचा उन्नीस और, और कुछ चेक वन uh, भी करेंगे तो सही है है ठीक तो ये हो जाएगा हमारे एक्स वन वाई वन जेट वन दैट मीन्स ये है हमारे एक्स वन वाई वन सेट वन जो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलो रखो अब कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब कुछ वो पहले की तरह ही करना है के की वैल्यू निकालनी है हर जगह से और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम भी निकलनी चाहिए यह भी बहुत बड़ा पंगा है ठीक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता है ही सही वो एक्स इक्वल टू एम एक्स वन एमएक्स एमएक्स टू थोड़ा सा लेंगे क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है

ये माइनस सिक्स इन टू थर्टीन सिक्स का सेवेंटी एट माइनस का सेवेंटी एट तो ये हो जाएगा माइनस एटीन के बराबर प्लस एटीन हो जाएगा यानी माइनस का सिक्सटी रह जाएगा सो so, के की वैल्यू इज माइनस सिक्सटी बाय माइनस एटीन तो किससे से काटूं उसको मैं सिक्स से काटता है क्या टेन नाइन सिक्स टेन बाई थ्री है ना तो so, k की वैल्यू टेन बाई थ्री चलो अब होप करो कि बाकी सभी k की वैल्यूस ये भी यही सेम निकले तो अब आ जाओ वाई कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने माइनस नाइनटीन बाय थर्टीन इक्वल टू के इंटू माइनस फोर इज माइनस फोर के और वन इंटू सेवन इज प्लस सेवन डिवाइडेड बाय वो का वही k के प्लस वन करो क्रॉस मल्टीप्लाई सो इट्स लाइक माइनस नाइनटीन के माइनस नाइनटीन बराबर 13, 52, 52 k, और थर्टीन सेवन जा 90, ओके सो फि फिफ्टी टू के हो जाएगा इधर आके ये और फिफ्टी टू एंडीन का ट्वेंटी का हो का जाएगा और माइनस नाइनटीन उधर जाएगा तो प्लस 19, 91 और 19 कितना होता है 110, so K की वैल्यू हो जाती है काट दूँ तो इलेवन टेन जावन थ्री जा, जा ठीक है तो यहाँ से भी सेम यहाँ से भी सेम लास्ट जेट कोऑर्डिनेट भी देखो जेट कोऑर्डिनेट क्या काम हमने फोर्टी सिक्स बाय thirteen is equal to k into four four k and plus two divided by वो का वही k plus one करो क्रॉस मल्टीप्लाई forty six k plus forty six is equal to thirteen four जा fifty two k plus twenty six thirteen two जा इधर आओ तो forty six को उधर ले जाओ तो fifty two में से forty six क्या तो six k twenty six को तो इधर आओ forty six में से twenty six क्या तो twenty सो so, की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं ट्वेंटी काटें टू से टेन बाय थ्री सो यू कैन सी के ओरिजिनल वैल्यू है यही हमारा K by, K की वै, और हमने कुछ गलती भी नहीं की है ठीक है इक्वल टू टेन बाय थ्री सो रेशियो डिविजन हो जाएगा टेन बाय थ्री इज टू वन बोथ साइड थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं टेन इज टू थ्री इज द किसी ने नहीं किया था करना भी नहीं चाहिए था अगर इन दोनों में से सेलेक्शन होता तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पिकिंग आल्सो एन आर्ट। वो और वो कैसे पता चलता है, कि time, वो पता चलता है जब आप घर पे करके, जाते हो। जब करके जाओ तो आपको देखते पता चल जाएगा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं तो हमको पता ही नहीं होता कि किसमें ज्यादा क्या 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 टाइम लगना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फाइनली कर दोट से एक ही क्वेश्चन हुआ है इसमें मेट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट द पॉइंट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दे बोथ सरल इक्वेशन है किया था अटेम्प्ट अच्छा नीचे वाला किया नीचे वाला तो बक्का ही लग रहा है ना बट ये भी सरल है दोनों सरल है ये भी सरल है देखो जब भी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन इंटरसेप्ट ट्रायंगुलर प्लेन बना लिया करो ये हो गया मेरा एक्स वाई जेड एक्सिस ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस एक ट्रायंगुलर प्लेन बना लो लाइक like दिस ये, ये एक, ये तो एक्स इंटरसेप्ट मान लो ये जेड इंटरसेप्ट मान लो ऐसा ठीक है तो ये तो हो गया मेरा एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया मेरा वाई एक्सिस पे और ये हो गया जेड इंटरसेप्ट और आपको इक्वेशन से पता चला इक्वेशन क्या है एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाई सी टू वन ये की वन है तो इससे पता चल रहा है 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 कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी है? A. X कितनी ए ए पर जो कोऑर्डिनेट्स बी इसका नाम तो बी है so इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बी जीरो तो तो और, इस तो और इसका नाम तो है सी और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जीरो सी डन ओके

निकाल सकता हूँ एक्स वन प्लस कैसे निकालतेवल टू एक्स वन प्लस एक्स टू एवरेज ही तो लेते हैं इस तरीके से तो ठीक है निकालो तो तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालो ऐसे नहीं केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है? Y और Z दोनों प्लस so A, A B, B तो जीरो प्लस बी बी बाय टू और जीरो प्लस जीरो ई के भी निकाल लो जरा तो ए प्लस जीरो वही ए बाई टू जीरो प्लस जीरो वही जीरो और जीरो प्लस सी यानी कि सी बाय टू तो, ओके अब ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गई अब फाइंड द द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट दी ई अब डी ई भी तो लाइन सेगमेंट है डी ई खुद भी तो एक लाइन सेगमेंट है इसका भी मिड पॉइंट निकलो अब आपको लग रहा होगा कि ओरिजिन से पास थ्रू हो रही है बट ऐसा है नहीं है ना ओरिजिन इसका मिड पॉइंट भी लग रहा है बट ऐसा है नहीं वो तो हमने फिगर ऐसा कुछ बना हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया एक्चुअली और ऐसा गिवन थोड़ा ना कि इक्विलेटरल है और बाकी में अगर ये इक्विलेटरल है तब ओरिजिन इसका मिड पॉइंट होगा अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना

फाइनली ये मेरे फाइनल आंसर है तो इसके मान से मैं X, y, Z लूं, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा तो निकलेंगे जीरो प्लस बी बाई टू डिड बाय टू तो बी बाय टू का भी आधा कर दू बी बाय फोर एंड जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम सी बाय टू

कॉमा सी ठीक है चले नेक्स्ट आपने नेक्स्ट वाला किया ये मैंने पूरा डायग्राम से सॉल्व कर दिया लेकिन आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट प्रूव दैट इफ द प्लेन दिस दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड शो दैट ये हमारा शायद लास्ट इक्वेशन था एक्सरसाइज का मिसलेनियस का और इस पर कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था ना कि अगर हमको एक्स वाई जेड एक्सेस एक्स वाई जेड इक्वेशन में ओरिजिन so, गीवन है, है अगर ये प्लेन है अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन क्या होता है जीरो 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 तो जो पॉइंट होता है जिससे दूरी देखी जाती है उसको एक्स वन वाई वन जेड वन लेते हैं तो एक्स वन बी जीरो वाई वन बी जीरो और जेड वन बी जीरो और जो प्लेन है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे ए एक्स तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इसकी फॉर्मेट में चेंज करना है अभी तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो जनरल फॉर्म में चेंज करती है ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो ए की वैल्यू बताओ यहां से वन बाय क्या हो जाएगी वन बाय की वैल्यू बताओ वन बाय बी और सी की वैल्यू बताओ वन बाय सी स्मॉल सी और डी की वैल्यू बताओ वन तो ये आ गए चार चीजें ये आ गई तीन चीजें अब क्या है डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस क्या होता है डी पर मैं मानूंगा पी क्योंकि उसने क्या रखा? P units. P, कह रखा है पी भाई डी की वैल्यू पी ऐसे मान लो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की वैल्यू क्या है चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बोलो बी बाय सी एड वन माइनस डी मोड्यूल होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर का सम का रूट डन उसके बाद डी की वैल्यू तो P है. D की पी है डी की वैल्यू पी है ए की वैल्यू जो भी है पर वो तो जीरो हो जानी है क्योंकि इंटू जीरो करोगे वन बाय बी बी इंटू जीरो करोगे और वन बाय सी बी इंटू जीरो करोगे माइनस डी डी की वैल्यू वन करोगे मॉडुलस क्लोज करोगे ए का स्क्वायर करोगे तो वन बाय ए स्क्वायर बी का करोगे तो वन बाय बी स्क्वायर सी का करोगे तो वन बाय सी स्क्वायर ओके इसको सॉल्व करेंगे सो ये तो जीरो 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 माइनस वन का मॉडुलस वन तो p इक्वल टू वन अच्छा इसका रूट भी है है ना तो वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दिस थिंग तो मैं स्क्वायर कर दूँ तो इधर पी स्क्वायर वन स्क्वायर और इसका रूट कट जाएगा मतलब तो रूट हट जाएगा तो केवल सिंपली क्या लिख सकता हूँ वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर नेक्स्ट में रसी प्रोकल कर दूंगा तो रसी प्रोकल करते ही रसी प्रोकल करते ही पी स्क्वायर का रसी प्रोकल हो जाता है वन बाय पी स्क्वायर तो इस पूरे पार्ट का रसी प्रोकल करते हैं वन नीचे पूरा पार्ट ऊपर तो यानी कि वन बाय ए स्क्वायर वन बाय बी स्क्वायर ये प्रूव करना था, ठीक है? गलत क्या so सो रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स वाई जेड नीचे आएगा ना अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो एक्स वाई जेड नीचे आएगा और ए स्क्वायर को वन बाय स्क्वायर कैसे लिख सकते हो आप ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन बाय स्क्वायर एक्स की जगह तो एक्स रखा है और आपने और ए स्क्वायर का आपने वन स्क्वायर होता है यहाँ इक्वेट तो भी नहीं हो रहा है, तो तो है। ठीक तो है जीरो मिलेगा इसमें तो चलो नेक्स्ट देखें एट वन स्ट्रेट लाइन एल मैक्स एन एंगल ऑफ ये पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए क्योंकि सब कुछ कवर करना जरूरी है क्वेश्चन कहां से पुटअप होगा नो no वन नोस ठीक है ना नाम की एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सिक्सटी डिग्री मतलब ये नहीं होता है कि तीस तीस इसमें बांट दो इंक्लिनेशन मतलब well. चाहिए एल विद एक्स एक्सिस तो वाई और जेड एक्सिस के साथ तो इंक्लिननेशन गीवन है आपको इंक्लिनेशन गिवन है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस इंक्लिनेशन क्या क्या गिवन है मी एक्स ऊपर लिख देता हूं मैं एक्सिस 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 तो X के साथ पता करना है नहीं पता है, से क्या निकाल सकते है? आ, क्या बोलते हैं उसको डीसी 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 निकाल सकते हैं जिसको अपन एल एम एन बी बोलते हैं एल की वैल्यू क्या होती है कॉस अल्फा और इसकी वैल्यू होती है कॉस बीटा उसकी वैल्यू होती है कॉस गामा तो ये अल्फा है जो पता करना है ये बीटा है जो पता है और ये गामा है जो पता है पोटअप कर दू सो कॉस अल्फा पता करना है कॉस सिक्सटी डिग्रीज कॉस सिक्सटी डिग्रीज कॉस अल्फा पता करना है फिर से लिख देते हैं कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू वन बाय टू कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू वन बाय टू अब इतना सेट करने के बाद फिर अब आपने को रिलेशन पता होना चाहिए डीसी इसके बीच का क्या रिलेशन होता है वो बताना चाहिए वी नो दैट क्या रिलेशन होता है, का रिलेशन होता है क्योंकि हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है तो एल मतलब इसका स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यही तो है एलेवन फाइनली हमारे तो इट्स लाइक ओस्क्वायर अल्फा

तो ये हो जाएगा मेरा फोर्टी फाइव डे डेरी इजी पहली एक्सरसाइज का ही पार्ट था लेकिन कवर करना इसको भी जरूरी है ऐसा नहीं कि हम प्लेन और लाइन ही पढ़ें एट्थ वाला देखो वर्टिसेस आर दिस एक ट्राइंगल है उसकी तीन साइड्स के तीन कोने दे रखे हैं तीन कोने दे रखे हैं ट्राइंगल के दैट मीन लेट्स से दिस इज द्राइंगल कोई भी स्कैलेंड ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स थ्री फाइव माइनस फोर के माइनस वन वन टू ये किया था किसी ने माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टू ठीक है अब क्या करेंगे हमको इस ट्राइंगल की साइड्स के डीसीज चाहिए डीसीस किसके चाहिए साइड्स के तो साइड्स क्या है ए बी बी सी ए तो आप सबसे पहले एक काम करो ए बी बी सी ए सी के डीआर निकाल लो डीआर कैसे निकालते हैं टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट जो डायरेक्शन होते हैं ऐसे निकालते हैं अपन और डीआर निकल जाएंगे तो फिर भी निकल जाएंगे ठीक है तो पहला काम हम करेंगे डायरेक्शन रेशियोस निकालने का डायरेक्शन रेशियोस निकालने का निकालें डायरेक्शन रेशियोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एनस ऐसी करते हैं तो सबसे पहले ए बी का निकालो ए बी का निकालो सो इट्स लाइक माइनस वन माइनस थ्री पहला माइनस वन माइनस थ्री कॉमा दूसरा ना तो ये कॉमा कॉमा लगा दो पहला है इक्वल टू है, है तो बोलो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा सिक्स ठीक है अब ये तो हो गया डी सी ये तो हो गया डी आर चलो पहले तीनों के निकाल लेते हैं ए बी का निकल गया बी सी में आप सी माइनस बी करेंगे डायरेक्ट कर देता हूँ मैं सी माइनस बी करो तो माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट कोमा माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन ए सी निकाल दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है इसको ये कर दो ठीक है ये लो पहले ए सी निकाल दिया हमने और तीसरा भी निकालो माइनस टू माइनस माइनस फोर माइनस टू प्लस फोर यानी कि प्लस टू अब क्या बचा ए बी हो गया एसी हो गया बी सी बचा बीसी बीसी मतलब ये माइनस फाइव माइनस 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 फाइव प्लस वन यानी माइनस फोर फाइव माइनस वन माइनस सिक्स टू माइनस टू माइनस फोर एबीसी से करते हैं लेकिन तीन है हमारे पास तीन है तो क्या करूंगा ए वन बी वन सी वन ये हो जाएगा हमारा ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू सी टू और ये हो जाएगा हमारा थ्री बी थ्री थ्री अब हमारा काम क्या है डी आर डी सी काम है हमारा D, निकालना दिरेक्षिन, दिरेक्षिन, निकालना डायरेक्शन डायरेक्शन तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड ऐसे निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड से माइनस फोर माइनस फोर सिक्स तीनों को डिवाइड करेंगे इनके स्क्वायर के सम से फिर इसके स्क्वायर के सम से इसके तो यानी कि इनका मैग्नीट्यूड ए बी बी सी ए बी -ए, -ए, ए सी बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए होगी तो पहले मैं लेंथ निकाल लू है ना तो अगर मैं इसको वेक्टर का नाम लूं तब तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी मैग्नी और अगर मैं इसको सिंपली लाइन सेगमेंट की लेंथ की बात करूं तो सिंपली इसको ए बी कर सकते हैं ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ है ना ए बी लाइन सेगमेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं तो अभी अपन वैक्टर फॉर्म में जा ही नहीं रहे तो ए बी लिख देते हैं नहीं तो फिर क्या लिखना पड़ता मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ऐसे लिखना पड़ता है अगर वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं ठीक है तो निकाल लो कैसे निकालते थे हम वैसे भी तो ऐसे ही निकालते थे लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर तो वो एक्स टू माइनस एक्स वन वो सब निकाल लिया मैंने तो डायरेक्ट उसी का स्क्वायर कर दूं मैं तो माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर का सम का रूट ठीक है सो सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी सिक्स छोटा छोटा बत्तीस बत्तीस छत्तीस एट रूट सिक्सटी एट रूट सिक्सटी एट को क्या लिख सकते हैं अपन फोर रूट सेवनटीन फोर इंटू रूट सेवन टू रूट सेवनटीन यूनिट्स सही है? 17, 48, 68 होता है चलो अब बाकी के शॉर्ट में निकालो ए बी के बाद ए सी ए सी निकाल लेते हैं सो ए सी विल बी लाइक माइनस एट का स्क्वायर है सिक्सटी फोर टेन का हंड्रेड और टू का फोर सो so, ये हो जाता है वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट को फोर से काटेंगे तो फोर्टी टू फोर से काटेंगे फोर्टी टू और फोर्टी टू क्या हो जाता है फिर फोर्टी टू को फोर से काट नहीं सकते फोर्टी hmm? टू को किससे काट सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू सेवन टू थ्री या सिक्स सेवन जो फोर्टी टू है into into 7, 2, 6, 6, 42, ना टू इंटू थ्री इंटू सेवन करेंगे तब फोर्टी टू मिलेगा और टू इंटू थ्री टू सेवन स्प्लिट हो नहीं सकता तो फोर इंटू फोर्टी टू लिखना पड़ेगा ए बी इक्वल अच्छा, टू कहा है वो कॉर्डिनेट्स मैं जो हाँ अच्छा 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 ए अच्छा, बी अच्छा, अच्छा, और बी सी ये इन दोनों को मैच करो माइनस फोर माइनस फोर सिक्स फोर माइनस सिक्स माइनस फोर ओके डी आरस दोनों के सेम है ना बस नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है तो वो तो वैसे पॉजिटिव टू रूट फोर्टी टू क्या ओके में फिर देखने लग गया टू रूट सेवनटीन यूनिट ए बी और बी सी सेम है ए बी और बीसी सेम ठीक है डन तो अब डायरेक्शन रेशियोस हो गए लेंथ हो गई अब फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं डी आरस डायरेक्शन और डीसी डायरेक्शन को डायरेक्शन को हम वही ए बी के अलग निकालेंगे बी सी के अलग निकालेंगे और ए सी के अलग निकालें पहले ए बी के निकालते हैं तो ए बी के डायरेक्शन को को मैं एल वन एम वन एन वन कह दू एल वन एम वन एन वन कैसे निकालते हैं ए वन को ए वन को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा फिर बी वन को कर दूंगा फिर सी वन को तो अभी डायरेक्टली लिख देता हूं तो ए वन क्या था मेरा ए वन क्या था माइनस फोर डिवाइडेड बाई लेंथ निकाल चुका हूं मैं इसकी कहा टू रूट टू रूट सेवनटीन ठीक है और एम वन क्या हो जाएगा बोलो इसको काट के क्या कर सकते हैं अपन से कर जाएगा तो माइनस टू बाई है तो ये भी सेम ही आ जाएगा माइनस टू बाय सेवनटीन है ना माइनस टू बाय सेवनटीन और एन वन बोलो एन वन सिक्स से डिवाइड करेंगे अपन किसको टू रूट सेवनटीन को तो थ्री टाइम्स कट जाएगा तो थ्री डिवाइडेड बाय रूट सेवनटीन ये तो हो गया ए बी का काम ठीक है बीसी बीसी के डीसी को हम ले लेते हैं एल टू एम टू एन टू एल टू एम टू एन टू तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस एट माइनस टेन माइनस टू माइनस एट माइनस टेन और टू डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ कितनी है टू बाय रूट फोर्टी टू टू बाय रूट फोर्टी टू टू बाय रूट फोर्टी टू कार्टो टू से तो माइनस फोर टाइम्स

क्या था माइनस फोर तो सेम ही है तो इसका क्या आया था माइनस टू बाय सेवनटीन आया था एम थ्री थ्री क्या हो जाएगा क्योंकि इधर सिक्स था इधर माइनस सिक्स है तो इसको नेगेटिव कर दूं तो माइनस थ्री बाय रूट सेवनटीन एंड फाइनली एन थ्री एन थ्री क्या है वही माइनस फोर तो जो एल थ्री था वही एन थ्री होगा माइनस टू बाय रूट सेवनटीन तो ये तीन आंसर है से दूसरा सेट ये और तीसरा ये थोड़ा सा रफली किया हमने, जस्ट डिफरेंस कर दो और डीसी तो फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर तो। और एंगल की बने तो कॉस्थीटा लगा के हम डीसी निकाल सकते ठीक है चलें तो डीसी से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं है आपके माइंड में हो गया काम एल एन स्क्वायर वन होता है वो भी दिया। अच्छा, square, 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 1 होता है ना, तो आ, निकालने के बाद खुद चेक कर सकते हो आप, कि इनके स्क्वायर का चेक करो माइनस फोर का स्क्वायर आना चाहिए तभी और इधर आ जाओ वन बायर्टी टू तो ऊपर का समी टू आना चाहिए ठीक है इसका भी चेक कर लेना फिर ऐसे ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन का ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा और इनोवेटिव क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है और अच्छा क्वेश्चन ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन ठीक है एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो लेट्स से ये लाइन बना देता हूं जब मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ ज्यादा आसानी होगी इस लाइन की इक्वेशन भी मुझे गिवन है इस लाइन की इक्वेशन में मुझे गिवन है लाइन एल कह देते हैं इसको दिस इज लाइन एल और इस लाइन एल की इक्वेशन में इसी के बगल में लिख देता हूँ क्या इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री बाय फाइव बराबर वाई माइनस वन ओके दिस इज दिस द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन अब इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं किसी तीसरे पॉइंट से जीरो कोमा टू कोमा थ्री वो ऊपर टू कोमा थ्री ये पॉइंट मान लो ये इस पॉइंट से मैं क्या बना रहा हूं परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर सबको बनाना आता है वी विल ड्रॉ लाइक दिस बन गए तो पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर बना रहे हो तो जहां पे वो ला करता है उसको क्यू ले लो क्यू पे वो फॉल होता है तो जहां पे वो फॉल होता है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ़ द फुट ऑफ दर्पेंडिक समझ आया क्वेश्चन ठीक है लाइन की लाइन पर अगर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहां जाके बिड़ेगा उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए अब अगर आपको याद हो रहा हो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था याद देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था नोट्स में भी पूरे थ्री डी चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी जगह पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोई एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या लिखवाया था हाँ बोलो वो तो तरीका है वो तो ये दोनों परपेंडिकुलर को निकालने का तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था एल डी एमडी

उस नॉर्मल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स और डी क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो मैंने क्यों फिर इस बात का जिक्र किया क्योंकि याद हो जाता है फुट फुट ऑफ ऑफ द द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चलो लगाओ अरे वो किस किस रेफरेंस रेफरेंस में में और ये किस में? तो पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो उसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं लिखा इसको हमको लॉजिक से निकालना पड़ेगा अब फॉर्मूला अब बन जाए तो कह नहीं सकते है ना ठीक है कैसे निकालेंगे तो आप जब तक मुझे नहीं पता है तब तक मैं इसको एक्स वन वाई वन जेड वन ले लूं तो मेरा टास्क एक्स वन वाई वन जेड वन निकालना okay? Okay. अब मुझे एक चीज बताओ पॉइंट जो क्यू है लाइन एल वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो है उसके नजरिए से देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी प्लेन के केस में बहुत बार निकाला है अभी लाइन के केस में निकालो वही लाइन की इक्वेशन में डाल के पहले लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कर रहे थे अभी लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने लेट कर लेना लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेशन बी एक्सन वाई वन सेट वन देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन द लाइन एल लाइज ऑन द

इक्वल टू जेड माइनस माइनस फोर डिड बाई थ्री वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी इसे माइनस माइनस ब्रेक करने नहीं बट चलो कर दिया हमने ठीक है सो ये इक्वेशन आ गई एंड इक्वल टू वॉट लेमडा तो वही एक्स वन बाई वन जेड वन इन टर्म्स ऑफ लेमडा निकाल सकते हैं क्या लेकिन फिर उस एक्स वन वाइव जेड वन की वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे कोई वैल्यू तो हमारे पास है नहीं नहीं है ना चलो निकालो एक बार लेमडा की फॉर्म में निकालो तो सही देखते हैं क्या होता है तो ये अच्छा क्वेश्चन है हाँ बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी नहीं है इस बार पी हमने वो पॉइंट लिया है जहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया है ये वाला पॉइंट हमने पी मान लिया है ना इससे हमने परपेंडिकुलर बनाया है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्यू माना है आपकी बात वैसे अपन पी मानते जनरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेकिन इस बार एक पॉइंट को या तो फिर उसको मानो मानो उसको P मानो. कैसे भी कर लो तो से, नाम से क्या फर्क पड़ता है, कर लो, से बनाया है उसको A मान लो, और ये प्लस थ्री उधर जाके माइनस थ्री फाइव लैमडा माइनस थ्री माइनस माइनस खोलने का कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं वाई वन इक्वल टू टूमडा प्लस वन एंड जेड वन इक्वल टू ये प्लस है तो उधर जाके माइनस फोर

इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा एक वेक्टर जो इससे हो तो लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे होंगे नहीं होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो लाइन एल वन के डायरेक्शन वेक्टर्स तो यहाँ से मिलेंगे 5, 2 3, और लाइन एल टू के मैं बना दूंगा क्यू माइनस पी करके पी क्यू तो है लाइन एल टू लाइन है मतलब ये समझ गए बोलो नहीं समझे चलो सो नाउ सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं इसका नाउ डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा है ना ऑफ लाइन एल या फिर चलो उसमें नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे तो डीआरस लिखो फिर डायरेक्शन रेशियोस डीआरस ऑफ डीआरस लिख दो शॉर्ट में नाउ डीआरस ऑफ लाइन डीआरस ऑफ लाइन एल ले लेता हूं ठीक है वो तो इक्वेशन से साफ-साफ पता चल रहे हैं लेट्स से ये है ये है ये है तो उनको मैं डीआरस ऑफ लाइन एल को मैं ले, ले लेता हूं a1 b1 c1 a1 b1 c1 क्या है ये 5 टू थ्री बस ऊपर जो है 1, 1, 1 होना चाहिए आ रहा है ये तो क्या अब of PQ अभी निकाला 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 था हमने X1 -1, Y1 -1, इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में निकाला है बोलो नहीं ए टू बी टू सी टू ले लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो ए टू बी टू C2. तो A2 कैसे क्यू माइनस पी करके तो एक्स वन माइनस जीरो बराबर टू और जेड वन माइनस थ्री और यहाँ पेड वन की इन टर्म्स ऑफ लेमडा भी वैल्यू है हमारे पास कि नहीं है, है ना एक्स वन की वैल्यू क्या है फाइव लेमडा माइनस थ्री वाई वन की वैल्यू क्या है टू लेमडा प्लस वन और आगे माइनस टू भी तो है पूरा सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक टू लेमडा प्लस वन माइनस टू क्या होगा माइनस वन ठीक है की वैल्यू है लाइन एल और लाइन पी क्यू आपस में क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है लेमडा सॉल्व हो जाएगा लेमडा सॉल्व हो जाएगा लैमडा की वैल्यू रख दूंगा तो एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख जाएगा ठीक है समझ आया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में लैमडा का बहुत बड़ा हाथ है यह तो चीज क्लियर हो गई हर जगह से है ना नाउ नाउ देखो ऐसे लिखेंगे लाइन एल या फिर इधर यहां लिख देता हूं देखो नाउ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर जब अपन वेक्टर फॉर्म में गए नहीं तो फिर डायग्राम में भी वेक्टर मत बनाओ अपन तो कार्टेशियन फॉर्म में डीआर सी निकाल लिया अपन ने तो ए वन बी वन सी सो तो अगर दोनों परपेंडिकुलर तो दोनों के डीआर का प्रोडक्ट का सम क्या हो जाता है समय हाँ सॉरी जीरो नॉट वन सही कहा आपने तो क्योंकि लाइन है तो स्मॉल ए वन ए टू अगर यही प्लेन होता तो कैपिटल एवन कैपिटल ए टू नॉर्मल वैक्टर के जो डी आरस होते हैं ना ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो

प्लस फोर लैमडा माइनस का टू प्लस नाइन लैमडा माइनस का ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है इधर कर देता हूँ इंप्लाइज तो ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन एंड नाइन ट्वेंटी नाइन एंड नाइन थर्टी एट थर्टी एट लैमडा और माइनस फिफ्टीन माइनस टू माइनस सेवनटीन एंड माइनस अगेन माइनस थर्टी उधर आके प्लस सो इट इम्प्लाइज लैमडा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वन तो लेमडा वन को अगर मैं अगेन इधर पुटअप इधर इधर पुटअप कर दूं तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा मिल जाएगा ओके सो कहा माइनस फोर इस माइनस वन तो क्या मिलेगा टू थ्री माइनस वन ये हमारे फुट तो so, mark very, very important discussion. ये हमारे करो ठीक ठीक है? है, है, है? और और आपके में में भी भी क्योंकि इसमें का कोई लेना देना नहीं थीके? मतलब में भी माना जाएगा इसका पार्ट. और जब आपका कोर्स, कोर्स ओमिट हो जाता है जैसे साल ओमिशन है तो फिर ऐसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कुछ तो देना ही है उसको क्या देगा वो देखो मार्क्स तो उतना तो ही है कोर्स कट गया तो जो बचा हुआ है उसको ही, जो तोड़ मरोड़ के उसे को निचोड़ेगा वो कितना भी निचोड़ सकता है ठीक है ना तो आपके लिए रिस्क ज्यादा है आपके तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे फिक्स हैं। आप मजे करो बट डायरेक्ट क्वेश्चन कर जाओ आपके से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि कोर्स ज्यादा है तो देगा क्या वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे वही बड़ी बात है ठीक है आपके जो है इनोवेटिव क्वेश्चन ज्यादा आएंगे सो इट वॉज नाइस क्वेश्चन ये पेपर का क्वेश्चन है इस साल का नहीं पिछले साल का चलो आओ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी कैसे निकालते हैं बोलो पहले चेक करते हैं लाइन्स पैरल है या स्क्यू है।, है ना पहले लाएं... अच्छा स्क्यू होती है पैरल तो होती नहीं है तो कैसे चेक करते हैं स्क्यू या है पैरल का सिक्स बाय वन माइनस सिक्स बाय माइनस टू और वन बाय वन अगर सेम आए तो पैरल अदरवाइज स्क्यू तो अभी स्क्यू ही है ये अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में है तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या देखो एक्स प्लस वन है तो x माइनस माइनस वन बाय सिक्स आगे बढ़ो वाई प्लस वन है तो वाई माइनस माइनस वन बाय माइनस सिक्स और फिर प्लस वन 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 है तो Z minus minus 1 1. ये तो माइनस माइनस बाय ये हो गई एक लाइन लाइन एल वन ओके दूसरे पे आओ दूसरा क्या है एक्स माइनस थ्री तो इसको करने की जरूरत नहीं है एक्स माइनस थ्री पे ब्रैकेट लगा दो डिवाइडेड बाय नीचे का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बाय माइनस का टू और जेड माइनस सेवन डिवाइडेड बाय वन सो दिस लाइन एल टू लाइन एल वन मिल गई हमको फाइन मिल मिल okay, अब शॉर्टेज दूरी कैसे निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्म में बोलो बड़ा सारा फॉर्मूला बोलो तो मॉडुलस नहीं डिटर्मनेंट पहले डिटर्मेंट है फिर है तो में हम ऊपर टू माइनस एक्स वन याद है टू माइनस ये डिटर्मिनेंट क्लोज एंड उसके बाद फिर कहीं ये नेगेटिव ना आ जाए तो मॉडुलस और लगेगा डिवाइडेड बाय नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ uh, उसका लगता है मैग्नीट्यूड इस बी क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लगता है ना या बी वन क्रॉस बी टू का magnitude. तो वो सर वो कैसे लिखूं कोई बात नहीं यहाँ से लिखो ना कोई सर कार्टेशियन फॉर्म में तो याद करना मुश्किल है याद क्यों करते हो ऊपर अरेंजमेंट कर दिया है तो करो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर फिर ये जाएगा और ये जाएगा तो ए वन सी टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का भी होल स्क्वायर फिर ये जाएगा और यह जाएगा तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का भी होल स्क्वायर का so, हो गया फॉर्मूला नाउ पुट द वैल्यूज सो एक्स टू माइनस एक्स वन करना है तो तभी मैंने इसको अलग अलग करके रख दिया है तो थ्री डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं थ्री माइनस माइनस वन फोर हो जाएगा फिर फाइव माइनस माइनस वन सिक्स हो जाएगा फिर सेवन माइनस माइनस वन एट हो जाएगा इधर से इधर आ जाएंगे आ जाओ। लेकिन फिर B1, C, A1, B1, B1, और वो A2, B2, C2 अरेंज करना। अभी, अगर आप इधर से इधर हो, तो हो तो फिर उल्टा है ठीक है तो क्या हो जाएगा सिक्स ए वन बी वन सी वन हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स वन और ए टू बी टू सीट हो जाएगा वही डिटर्मेंट एंड देन ऊपर से मॉडुलस डिवाइडेड बाय नीचे अरेंज करिए जरा सो so बी वन सी टू करेंगे तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स माइनस माइनस टू यानी माइनस माइनस सिक्स सिक्स प्लस प्लस टू टू कितना होता है माइनस फोर का स्क्वायर ठीक है प्लस ये जाएगा और ये जाएगा तो सिक्स वन जाए सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव का स्क्वायर फिर यह जाएगा और ये जाएगा तो सिक्स इंटू माइनस टू एक्स माइनस ट्वेल्व और प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर ठीक है का रूट ओके इस इक्वल टू अब सर आपने ये क्यों लिखा डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा क्योंकि अब ऊपर वापस नहीं करना पड़ेगा नहीं बात अब सीधे माइनस फोर को इससे फाइव को माइनस सिक्स से माइनस सिक्स को एट से अगर मैं डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके लिख देता तो वापस फिर ऊपर वही डिटर्मेंट निकालता तो हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न याद करोगे इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन पार्ट ये पहले करेंगे ये बात में करेंगे इसमें ये पहले तो करो अब फटाफट से निकालो तो माइनस फोर इंटू फोर लिख दो ये नीचे रखा हुआ है इसी को तो फोर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है फिर माइनस सिक्स को ये सेकंड वाला नेगेटिव होगा याद रखना माइनस सिक्स इंटू फाइव को फाइव के स्क्वायर को माइनस फोर का माइनस फोर का स्क्वायर नहीं हाँ ओनली फाइव को स्क्वायर तो नीचे मैग्नीट्यूड के लिए करते हैं ठीक है माइनस सिक्स इंटू फाइव हो जाएगा ऐसे ओके प्लस एट माइनस सिक्स हो जाएगा सही किया फोर फाइव नहीं माइनस फोर माइनस फोर फाइव और माइनस सिक्स ठीक है फिर ऊपर वाला फोर सिक्स एट सही है ठीक है और इसका भी क्या हो जाएगा मॉड्यूलस और डिवाइडेड बाई अप कर दो नीचे है ना तो सोलह पच्चीस छत्तीस का रूट नीचे तो पॉजिटिव आना ही है तो इट्स लाइक माइनस सिक्सटीन Minus 30, minus 48, तो modulus, और इसको करना ही पड़ेगा छत्तीस और सोलह तो ये मॉडुलस भी खोल दो और जोड़ दो इनको तो फोर्टी एट और टेन एटी एट एट और सिक्स का मॉडुलस खोल देंगे तो प्लस 94,

और माइनस ट्वेल्व क्रॉस प्रोडक्ट भी गलत किया है फाइव टू थ्री कहां से आया फाइव टू थ्री वन माइनस टू वन ये कहाँ से लिखा फाइव टू थ्री क्वेश्चन ऊपर वाला पकड़ ले अब इसको तो क्या कहेंगे ब्लंडर मिस्टेक है तो। क्या करोगे फिर आप इसमें बाकी कॉन्सेप्ट तो सही है तो डेढ़ मार्क्स दे दो डेटा गलत है कॉन्सेप्ट सही है ठीक तो है चलो द लास्ट क्वेश्चन देखें कर दो डिलीट डिटरमाइन वेदर द गिवन आर आर परपेंडिकुलर और इन केस दे फाइंड एंगल बिटवीन दोन ठीक है वही लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे पहले तो चेक करो पैरल है प्लेन पाय वन एंड पाए टू पैरल है या परपेंडिकुलर है और अगर दोनों ही नहीं है तो फिर एंगल निकाल के दो तो फिर एंगल निकाल के दो यही था तो देखो यहां से पहले अपन आ, क्या करें देखो एक काम करते हैं

वन और सी टू बोलो यहाँ से वन और डी टू बोलो यहाँ से डन अब पहले तो चेक करो पैरल है या नहीं है. तो पैरल के लिए क्या चेक करते हैं रेशियो सेम है या नहीं है ना है ना पैरल के लिए हम क्या चेक करते हैं कि रेशियो सेम है या नहीं ठीक है सो so, चेक करो ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू ए वन बाय ए टू शुड बीक्वल टू बी वन बाय बी टू शुड बीवल टू सी वन बाय सी टी चेक करो तो फोर बाय जीरो इज नॉट इक्वल टू एट बाय एंड इज नॉट इक्वल टू वन बाय वन सो नॉट पैरल रीजन इसमें डिसीजन क्या होगा मेरा की प्लेन्स आर नॉट पैरल ठीक है अब सेकेंड केस क्या चेक करना है परपेंडिकुलर है यानी ये उसके लिए क्या चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो है यानी ठीक है किसका पैरेलल परपेंडिकुलर एंगल इसमें डी वन और डी टू तो किसी काम के है नहीं है ना परपेंडिकुलर में क्या चेक करना है बताओ तो? A1, A2, A1, A2, इनका वैल्यू निकालनी और वैल्यू जीरो आनी चाहिए ठीक है देखा निकालते हैं वैल्यू तो इट लाइक फोर इन जीरो प्लस एट इंटू वन प्लस वन इंटू वन क्या वैल्यू आई जीरो प्लस एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन एंड दैट एंगल so, well. so, पर so, so, निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्थीटा वाला प्लेन टू प्लेन कॉस्थीटा लाइन टू लाइन कॉस्थीटा लाइन टू, टू प्लेन साइन थीटा तो अभी कॉस्थीटा लगा दू क्या फॉर्मूला है बोलो मॉडल ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डॉट प्रोडक्ट ऊपर आता है डिवाइडेड इज इक्वल टू तो ए वन ए टू बी वन बी टू तो नाइन निकाला है ना बार बार थोड़ा निकालने बैठेंगे और मोड प्लस नाइन नाइन ही होता है नीचे का तो निकालना पड़ेगा ठीक है तो ए वन इसका स्क्वायर करना है फोर का स्क्वायर है 16 एट का 64 इसका वन का सम का रूट इधर आओ जीरो वन वन ओके इस ब्लॉक में कर देते हैं बाकी तो इट्स लाइक नाइन डिवाइडेड बाय 16 एंड 64 फोर इज सेवेंटी एटी एटी वन का रूट इज नाइन इन और रूट टू तो नाइन से नाइन कैंसिल आउट कॉस थीटा की वैल्यू है ये वन बाय तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी स इनवर्स वन बाय टू दो जगह एंगल पूछा है दोनों एंगल फोर्टी फाइव डिग्री एक बार पहले भी पूछा था ना इसी पेपर में सो इजी है ये अच्छा एक और चीज सुनो आपको कोई जरूरी नहीं है पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करने की आप एक काम और कर सकते हो डायरेक्ट ही कॉस थीटा निकालना शुरू कर दो अगर थीटा जीरो आ जाए या वन एटी आ जाए तो कह देना पैरेलल है थीटा नाइन्टी आ जाए कह देना परपेंडिकुलर है और थीटा इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वही एंगल है

तो ऊपर चेक करो पहले वन 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 है वन वन वन, तो सेट है मामला सीधे सीधे नीचे के उठा लो यहां से तो यहाँ से स्मॉल बी थ्री स्माल सी सी वन टू भी लेने की जरूरत थी क्योंकि इधर तो स्मॉल लेटर्स हैं उधर कैपिटल लेटर्स हैं और इधर जो है कैपिटल ए टेन कैपिटल बी टू एंड कैपिटल सी माइनस इलेवन ठीक है तो अगर दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल चाहिए इसकी डायरेक्शन ये है डायरेक्शन वैक्टर वेक्टर है ये, इसका पैरल वेक्टर है तो तो दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे साइन तो थीटा से निकालेंगे क्योंकि लाइन टू प्लेन है लाइन टू लाइन प्लेन टू प्लेन थीटा लाइन टू प्लेन साइन थीटा क्योंकि 90 करते है, तो cos 90 क्यों है? Sin कैसे निकालते हैं ए ए बी सी सी ठीक है का मॉडुलस डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अलग इसका अभी जो अपन ने किया ए वन ए टू बी वन वही तो करना है बस इधर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा रखना है तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर ठीक है चलो जी तो करो ए ए बी 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 सी तो टू इंटू टेन सीधे कर देता हूँ थ्री इंटू टू एंड माइनस आ जाएगा सिक्स इंटू माइनस का तो मॉडुलस नीचे पहले इसका करो तो टेन का स्क्वायर सो टू का फोर ग्यारह का एक सौ इक्कीस का रूट फिर इसका करो चार नौ छत्तीस सिक्सटी और ट्वेंटी माइनस सिक्सटी माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी का मॉडुलस प्लस फोर्टी इसको जोड़ूंगा तो टू ट्वेंटी वन और फोर टू ट्वेंटी रूट टू ट्वेंटी और इसको जोड़ूंगा तो थर्टी सिक्स और फोर फोर्टी फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का रूट सेवन और फाइव से तो फाइव थ्री जा ट्वेंटी वन इससे ज्यादा तो कट भी नहीं सकता सो साइन आया मेरा एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थीटा हो जाएगा अब की बार जो है परफेक्ट नहीं मिला साइन इनवर्स एट बाय ट्वेंटी एंगल बिटवीन लाइन एंड अनुष्का ने स्क्वायर में मिस्टेक कर दी तो आधा नंबर कट दो यही वाला ठीक है और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालते तो हम्म हाँ तो ए प्लस वैक्टर बी मिलता इधर से इधर वेक्टर एन मिलता तो बी डॉट एन तो कर देता ऊपर है ना और बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड कर देता नीचे ठीक है ना इससे कर देता अभी भी वही किया है ना चलो ठीक है तो ये फाइनली हो गया आपका थ्री तो काफी लेंदी चैप्टर था बहुत सारे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट थे बट हमने कुछ नहीं छोड़ा छोड़ाटेड अनोमिटेड सारा सेक्शन आपको कवर किया तो आपको बिल्कुल एक तरीके से आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की लेवल की आपको पढ़ाई करवाइए ठीक है ना बस अब आप इसको अच्छे से रिपीट रिवाइज करो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि हल फिलहाल बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से, से रिवीजन कर लो है ना पहले तो है ना अब भाई अभी प्लेन के कॉन्सेप्ट छोड़ दो एक बार बोर्ड एग्जाम से फोकस कर लो क्योंकि अब चल नहीं एक बार तो वो तो रिवीजन तो पूरा ही करो लेकिन जो अगेन रिवीजन करते हो ना उसमें आप लेन के कॉन्सेप्ट एक बार के लिए छोड़ देना बट फिर संभाल के रखना क्योंकि जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जाम फिर काम आएगा ये ठीक है ना तो उसके बाद फिर पूरा रिवीजन करना शुरू कर देना आपको तो करना ही है ठीक है तो नेक्स्ट चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर आपका आज अच्छा खत्म होता है थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस हैव अ नाइस डे कीप लर्निंग एंड बाय बताओ बोलो